वेलकम टू प्योर कुकिंग स्टूडियो में मैं हैदराबादी शादियों में सर्व किए जाने वाला वाइट मटन की रेसिपी शेयर कर रही हूँ ये देखने में जितना खूबसूरत है खाने में उतना ही मज़ेदार है तो चलिए बनाना शुरू करते हैं ये टेस्टी वाइट मटन देख सकते हैं आप इसका कलर कितना परफेक्ट आया है और इसकी कंसिस्टेंसी भी देख सकते हैं आप कितनी अच्छी है तो इसके लिए हम पहले मटन मैरिनेट करेंगे तो 500 ग्राम मटन ले लिया है मैंने इसमें ऐड करेंगे वन टीस्पून जिंजर गार्लिक का पेस्ट नमक और एक नींबू का रस ये सारे मसाले लगा के हमें मटन को एक घंटे के लिए मैरिनेट होने के लिए रख देना है ताकि मटन अच्छे से टेंडर हो जाए अब हम इसके लिए मसाले रेडी करेंगे तो पॉट में मैंने दो टी स्पून ऑयल डाला है और इसमें ऐड करेंगे एक बड़े साइज की अनियन और पाँच छः ग्रीन चिलीज हमें अनियन को बिल्कुल ज़्यादा पकाना नहीं है बस थोड़ा सा पकाएंगे ताकि इसका कलर चेंज ना हो और साथ में हम इसमें ऐड करेंगे एक इंच की जिंजर जिंजर और पाँच छः लहसुन की कलियाब भी थोड़ा सा प्याज कलर चेंज हो पक गई है तो इसे निकाल के साइड में रख देंगे ठंडा होने के लिए अब हम ग्रेवी बना लेंगे तो एक कप ऑयल गरम कर लिया है मैंने इसमें डालेंगे दो लहसुन एक इंच की सिनेमन स्टिक और एक बड़ी इलायची अब हम इसमें ऐड करेंगे एक प्याज ये प्याज का भी कलर हमें बिल्कुल चेंज होने नहीं देना है क्योंकि अगर प्याज का कलर चेंज हो गया तो फिर ग्रेवी भी जो है थोड़ी सी डार्क बनेगी तो इसीलिए हम थोड़ा सा ही बस प्याज को फ्राई करेंगे अब देखिए प्याज फ्राई होने लगी है इसी स्टेज पर हम इसमें जो हमने मैरिनेट करके मटन रखा था वो ऐड कर देंगे अब एक घंटे के लिए मैरिनेट हुआ सो है मटन तो इसीलिए इसको पकने में थोड़ा सा कम टाइम लगेगा अब हम हाई फ्लेम पर पाँच मिनट के लिए मैंने मटन को भून लिया है अच्छे से अब हम इसमें एक कप पानी ऐड करके मटन को अच्छे से टेंडर होने तक पका लेंगे ढक के और जब तक ये मटन पकता है हम बाकी के मसाले रेडी करेंगे जो प्याज और हरी मिर्ची का मैंने फ्राई किया थे वो ग्राइंडर के जार में डाल दिया ये देखिए ये 50 ग्राम काजू है 50 ग्राम खरबूज तरबूज के बिन जिसे आधे घंटे के लिए मैंने भिगा के रखा था ये मैंने मसाले में ऐड कर दिया और 30 ग्राम खशखश है अगर आपके पास में खशखश नहीं है तो इसकी जगह आप बादाम ऐड कर लें और खरबूज तरबूज भी नहीं है तो आप सिर्फ काजू या बादाम दोनों मिला के सौ ग्राम इसमें ऐड कर सकते हैं अब हम इसका मसाला पेस्ट बना लेंगे और देखिए मटन भी जो है अच्छे से फ्राई हो गया टेंडर हो गया है इसे अच्छे से भून के अब जो ये हमने मसाला मैंने आपको बताया था प्याज हरी मिर्ची और काजू काजू और खरबूज़ तरबूज के बीज और ख़शखश ये मैंने अच्छे से फ्राइन फाइन पेस्ट बना लिया है ये इसमें ऐड करेंगे और अच्छे से भूनेंगे लेकिन इस बात का आपने ख्याल रखना है कि ब्राउन नहीं करना है आपको मसाला वरना जो ग्रेवी है वो वाइट नहीं लगेगी अब मैंने थोड़ा सा ग्राइंडर के जार को रिंस करके पानी इसमें ऐड कर दिया है ताकि मसाले जो है वो अच्छे से पक जाए क्योंकि हमने मसालों को भूना नहीं है तो हमें इसी मसा गोश्त के साथ में ही मसालों को पकाना है और जैसे मैंने कहा आपको इसका वाइट कलर मेंटेन रखना है थोड़ी थोड़ी देर के बाद में आप इसको हिलाते जाएं ताकि इस ये मसाले जो है नीचे से लगे नहीं अब देखिए मसाला पकने लगा है इसके साथ ही में हम ऐड करेंगे वन टी स्पून धनिया पाउडर और वन टी स्पून ज़ीरा पाउडर ताकि ये ग्रेवी जो है वो बहुत ही स्पाइसी और टेस्टी बने अब हम इसको पका लेंगे जब तक कि ये अच्छे से भुन के खुशबू आने लगे अब देखिए खुशबू आने लगी है तो अब हम इसमें हंड्रेड ग्राम दही ऐड करेंगे दही को मैंने अच्छे से फेंट लिया है ताकि इसकी गुटलियाँ ना बने और दही के साथ में भी हम मसाले को अच्छे से भूनेंगे ध्यान रखना है आप देख सकते हैं मैंने मसाले को काला नहीं किया है बस इतना सा भूनना है कि इसमें से खुशबू आ जाए और अच्छे से ऑयल रिलीज़ हो जाए थोड़ी थोड़ी देर को हम निकालते जाएंगे और अच्छे से भूनते जाएंगे अब देखिए अब हम इसमें पानी ऐड कर सकते हैं क्योंकि सारा मसाला जो है वो एकजुट हो गया है यानी अच्छे से भुन गया है और खुशबू भी बहुत अच्छी से आ रही है तो अब इसमें हम पानी ऐड करेंगे ये ग्रेवी जो है बहुत ज़्यादा पतली भी नहीं होती और बहुत ज़्यादा गाढ़ी भी नहीं होती तो सेमी ग्रे थिक ग्रेवी हमें बनानी है तो इतना ही हम इसमें पानी ऐड करेंगे अब पानी ऐड करने के बाद में लास्ट में हम इसमें ऐड करेंगे वन टी स्पून ब्लैक पेपर का पाउडर लास्ट में ही ऐड करें काली मिर्ची का टेस्ट बहुत अच्छा आता है लास्ट में ऐड करने से और क्वार्टर टी स्पून हम इसमें हैदराबादी गर्म मसाला ऐड करेंगे अब अच्छे से मिक्स करेंगे और नमक क्योंकि सिर्फ गोश्त के लिए था तो ग्रेवी में थोड़ा सा कम है तो मैंने और ऐड कर दिया ग्रेवी के हिसाब से अब लास्ट में हम इसमें ऐड करेंगे कसूरी मेथी कसूरी मेथी ये जो ग्रेवी है इसमें ज़रूरी है क्योंकि इसमें बहुत कम मसाले हैं तो इसे चटपटा और टेस्टी बनाने के लिए वन टी स्पून कसोरी मेथी को मैंने ऐड कर दिया और साथ में हम इसमें ऐड करेंगे हाफ टी स्पून सूखा हुआ पुदीना सूखा हुआ पुदीना भी ये ये ग्रेवी का बहुत ही इन एसेंशियल इंग्रेडिएंट है जो ये ग्रेवी को टेस्टी बनाएगा अब सारे मसाले डालने के बाद में एक पाँच मिनट के लिए मैंने हाई फ्लेम पर और पाँच मिनट के लिए लो फ्लेम पर ग्रेवी को पका लिया है जैसे ही ये ग्रेवी हम स्टोपर पर से निकालेंगे तो और थोड़ी गाढ़ी हो जाएगी और चार पांच हम इसमें हरी मिर्ची ऐड करेंगे ये आपको लग रहा है कि बहुत ग्री वाइट है लेकिन ये बहुत ही स्पाइसी चटपटी और टेस्टी रेसिपी है अब देखिए हम इसको सर्व कर देंगे तो मैंने तो इसको बिरयानी राइस के साथ में सर्व किया है आप इसको हैदराबादी नान या रुमाली रोटी के साथ में भी सर्व कर सकते हैं या फिर बघारे खाने के साथ में सर्व कर सकते हैं अब लास्ट में हम इसमें कटा हुआ कोथमीर ऐड करेंगे और इसको डिश आउट कर लेंगे देख सकते हैं आप इसका कलर बिल्कुल वाइट आया है और टेस्ट में तो ये लाजवाब बनी है तो चलिए सर्व कर देते हैं टेस्टी मटन ग्रेवी तो टेस्टी शादियों वाली वाइट मटन ग्रेवी अच्छी लगी तो इस वीडियो को ज़रूर एक लाइक कीजिए शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए प्योर कुकिंग चैनल को ऐसे यूज़फुल वीडियोस के लिए और अपने ऐसे दोस्तों के साथ में ये रेसिपी को शेयर करिए जिन्हें ये मटन ग्रेवी अच्छी लगेगी और अगर आप चाहते हैं कि मैं आप मेरे चैनल पर रेड मटन की रेसिपी शेयर करूँ तो कॉमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए देखिए बिरयानी राइस के साथ में मैंने इसको सर्व किया है और अगर आप ये प्लेन बिरयानी राइस की रेसिपी देखना चाहते हैं तो कमेंट करके जरूर बताइए इंशाल्लाह मैं आपसे ये भी शेयर करूँगी थैंक्स फॉर वॉचिंग